हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, आपने थंबनेल में देख लिया होगा नाम, तो उन स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे उनके टारगेट, उनसे रिलेटेड क्यों मैं इनके से रिलेटेड वीडियो बना क्यों रहा हूँ, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल जो आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिले और आप यहाँ पर तुरंत जाके देख सके, सीख सके, क्योंकि हमारी वीडियो में हम आपको सिखाते ज्यादा है, हम आपको बाइंग करने के लिए नहीं कहते। बाइंग तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं जब एक बार सीख लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टॉक से रिलेटेड वीडियो डाल दी गई है, TCNS क्लोदिंग। डब्ल्यू ब्रांड आपने सुना होगा उसका, यहाँ पर TCNS क्लोदिंग का यहाँ पर एक ब्रांड है, काफी बेहतरीन शेयर है और अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देने वाला स्टॉक से पहले ही बनाया है इससे रिलेटेड वीडियो, अगेन यहाँ पर बताया है। प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए, यहाँ पर वीडियो देखिए, सीखिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी, और ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करा सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। सबसे पहले सिम्फनी, सिम्फनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिम्फनी से रिलेटेड बातें करूँ तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये शेयर एक बेहतरीन शेयर है। ओके, और इन दो शेयरों को, ब्लू स्टार और सिम्फनी को चूज करने से रिलेटेड दो रीजन है मेरे। सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिम्फनी जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे बिजनेस से रिलेटेड काम करता है जो कि यहाँ पर गर्मियों में ज्यादा यूज होती है। किससे रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिम्फनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 अहमदाबाद में, और ये कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, एंड द लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। 97% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ एयर कूलर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर गर्मियाँ आ रही है, और जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है आपके घरों में, इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल्स में, यहाँ पर ये क्या लगेंगे, यहाँ पर एसीज लगेंगे, एयर कूलर लगेंगे, और उसमें जो लीडिंग बात की जा रही है वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में अगर बात करें लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो यही एक पर्टिकुलर यहाँ पर अगर बात करें ये पर्टिकुलर शेयर नजर आता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आप पोर्टेबल, मतलब ईजिली यहाँ पर जो मूव हो सके ऐसे कूलर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ओके, एयर कूलर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कूलर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर अच्छे अच्छे यहाँ पर कूलर और सही प्राइस में यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड कूलर जो कि आप एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द व्हील आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं, एज वेल एज कमर्शियल एयर कूलर भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, उनमें ऐसे एयर कूलर लगा के ही वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल एयर कूलर भी यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि यहाँ पर वर्कर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अच्छे बेहतरीन यहाँ पर एयर कूलर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर देखिए, और इसमें ये लार्जेस्ट और सबसे बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी नजर आती है। यूँ तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, बट सिम्फनी की बात करें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक इस तरीके के कूलर यहाँ पर इंडस्ट्रियल कूलर यहाँ पर बनाए जाते हैं, काफी बेहतरीन यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी होते हैं, काफी बड़ा नाम भी है। तो यहाँ पर इनके कूलर यहाँ पर आप जाके एक बार देख सकते हैं, ये हाउस होल्ड कूलर हो गए जितने भी हो गए, एज वेल एज यहाँ पर कमर्शियल कूलर की बात करें तो ये सारे के सारे कमर्शियल कूलर्स हो गए। ओके, एज वेल एज हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल कूलर की, तो इंडस्ट्रियल कूलर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल कूलर हो गए जो कि एक प्लेस पर लगा के इजिली यहाँ पर वर्क करते हैं। तो सिम्फनी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में से 59% रेवेन्यू, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 41%, इंटरनेशनल भी मार्केट में काम करता है। मार्केट शेयर की बात करें एयर कूलर इंडस्ट्री में इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट की बात करें 30% है टोटल मार्केट, एंड आउट ऑफ 30% द कंपनी हैज 50% मार्केट शेयर फ्रॉम द लास्ट फोर ईयर से, लगभग 50% मार्केट शेयर भी इनका रहा है। तो बड़ा शेयर है यहाँ पर, बड़ा यहाँ पर कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एज वेल एज यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 7,400 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें 62 के पी पे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री का पी 47 है, और यहाँ पर इसका पी इतना ही रहने वाला है। आप सोचेंगे बिल्कुल कम आ जाए, वो होने नहीं वाला। आरओसी आरओई की बात करें 16 के आसपास है, ना ज्यादा बढ़िया है ना ज्यादा बेकार है। डेट की बात करें 31 का यहाँ पर डेट, और 1368 रुपए से शेयर यहाँ पर 1000 पे आया था। ओके, उसके नीचे आया था, उसके बाद 1059 पे यहाँ पर ये चल रहा है, और ये शेयर काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि जब
पैंडेमिक आया था उसमें एक मूव देने के बाद ये शेयर यहाँ पर एक साइड बेस चल रहा है और यहाँ पर एक चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे हम यहाँ पर राउंडिंग बॉटम कहते हैं और अच्छा खासा शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा। चार्ट की बात करें तो 68 पैसे का यहाँ पर 2005 में स्टॉक्स हुआ करता था, 2018 की बात करें तो लगभग 2000 रुपये पे शेयर गया, तो मल्टीबैगर रिटर्न इसने यहाँ पर आपको दिए भी है। इसके अलावा देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर पैंडेमिक आया, पैंडेमिक में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स आए, फिर दोबारा अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे। और जब भी मार्च क्वार्टर आता है, मार्च अप्रैल, तो कंपनी के नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए नजर आते हैं, कंपनी यहाँ परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम यहाँ पर इनकी सेल्स ज्यादा होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर इनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये एक दो क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है और ये शेयर इजिली आपको 30-40% के रिटर्न इजिली देता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद बेच के दोबारा जब दिसंबर और जनवरी आए, ओके, और फरवरी आए, तो यहाँ पर इस शेयर को एकोमोडेट करने की कोशिश करिएगा। अब ये शेयर को यहाँ पर बिजनेस साइक्लिकल बिजनेस की भी यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर आप सोचना समझना शुरू कर दीजिए, उसके हिसाब से काम करेंगे तो भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा इनका मार्च 2021 में यहाँ पर 25% के यहाँ पर OPM में कंपनी काम कर रही थी, दोबारा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर पैंडमिक की वजह से, फिर यहाँ पर सेल कम होती हुई दिखाई दी क्योंकि यहाँ पर सर्दी आ गई थी, सर्दियों में इतने प्रोडक्ट्स यूज होते नहीं है, और फिर दोबारा जब गर्मी आ रही है तो दोबारा इनका जो OPM है बढ़ता हुआ नजर आएगा। एज इट इज यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो भी यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए इनके यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है ऊपर नीचे यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ साइक्लिकल बिजनेस। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स एक लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और कंपनी यहाँ पर बेहतरीन है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की जा रही है, ओके, तो यहाँ पर यही प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज होंगे और जैसे जैसे घर यहाँ पर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर फ्लैट्स बिक रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल हाउस बिक रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्ट्स यूज होने हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करती है और अभी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतरीन है। और यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है। कंपनी की बोरिंग की बात करें थोड़ी बहुत बोरिंग यहाँ पर बढ़ी है 240 करोड़ के आसपास की, इन्वेस्टमेंट 646 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हो, कैश कंपनी का 21 करोड़ का आसपास है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कंपनी की तो प्रमोटर्स के पास एज इट इज यहाँ पर 75.25% के यहाँ पर शेयर बचे हुए एज इट इज है। यहाँ पर FIs की बात करें FIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। DIs की बात करें DIs के पास लगभग 10.02% की होल्डिंग है, उन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम हो रही है 12%, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर जब शेयर नीचे जा रहा था बेच रही थी, बट धीरे धीरे अब यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर 12.42% की हिस्सेदारी है, लगभग 3% की हिस्सेदारी कह सकते हैं, 3 में निकालते हैं तो वही 9.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। अब शेयर का एक तो साइक्लिकल बिजनेस जो कि यहाँ पर चलने वाला है और जब ऐसा शेयर चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के टारगेट में यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, तो शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत टाइम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक राउंडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम बनाती हुई चीजें दिखाई दे रही है, और जब इस तरीके से राउंडिंग बॉटम चीजें निकलती है तो याद रखिए यहाँ पर टारगेट अचीव होते ही है, और लंबा कंसोलिडेशन हो गया तो लंबा कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर नीचे करके एक आध महीने में शेयर यहाँ पर पहुंच ही जाएगा, और यहाँ पर जब पहुंचेगा तो आपको इजीली यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें, मैं ज्यादा इसके ऑल टाइम हाई पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके अभी 52 वीक हाई जो इसका गया था उसकी बात कर रहा हूँ, 43% के रिटर्न बन रहे हैं और इस साल का 43% के रिटर्न मिल जाए तो बेहतरीन रिटर्न्स माने जाते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बताऊं तो यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है जो कि ये वाला है, ओके, अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ये क्रॉस कर देता है जो कि मैं इसका एग्जैक्ट लेवल भी बताऊंगा जो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं 1089 जो कि 17 जैन 2022 को यहाँ पर लगा था, फिलहाल में ही लगा था, ओके, अगर इस लेवल को यहाँ पर निकाल देता है एक अच्छी खासी रैली होगी जो इस रैली जो कि इसे यहाँ पर भगा इस शेयर को और ज्यादा बूम करता हुआ नजर आएगा और इसे एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर अलग अलग पाइवट पॉइंट जो कि यहाँ पर 1300 का लेवल हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर ये लेवल जो राउंडिंग बॉटम बन रहा है ये बनता हुआ नजर आएगा और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। पहला टारगेट ये हो गया। दूसरे टारगेट की बात करें तो एक बार जब ये टारगेट इनका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस आएगा इनका, ओके, अलग अलग यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पर चीज नजर आएगी। नीचे की लेवल की बात करें तो नीचे यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है 910 के आसपास का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नजर आता है और रिजल्ट अच्छे आने ही हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि इनके ऊपर इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जैसे यहाँ पर क्रूड का या और दूसरी चीजों का,
और यहाँ पर एक लंबा फिर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनेगा जो कि यहाँ पर चीजों को ऊपर लेके जाएगा, और जो चीजों को ऊपर लेके जाएगा फिर ऑल टाइम हाई पे भी चीजें जाएंगी, बट वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात करें अभी 43% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और स्टॉक्स की बात करेंगे साथ साथ ब्लू स्टार की। ब्लू स्टार की बात करें, ब्लू स्टार भी सेम एज इट इज ही कंपनी है वो। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लू स्टार की, तो ये फ्रिज आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रीज में यहाँ पर फ्रिज लगते हुए दिखाई देते हैं आपने। यहाँ पर ब्लू स्टार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसीज की बात करें, एसी यहाँ पर इनके आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरीके के कूलर अगर हम बात करें घर की, तो ये भी बनाते हुए दिखाई देते हैं। बट यहाँ पर सिम्फनी लीडिंग है, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे नहीं आती है बट लीडिंग है यहाँ पर सिम्फनी एज इट इज बात करें यहाँ पर कमर्शियल एसीज वगैरह जो ये सारे के सारे बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके डीलर्स यहाँ पर एक बड़ी अप्रोच भी रखता है, बेहतरीन यहाँ पर शेयर भी है। यहाँ पर जितने भी हाउस होल्ड जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, यहाँ पर अगर बात करें फ्रिज एसी, ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं, और अच्छे खासे इनके क्लाइंट भी, और बेहतरीन यहाँ पर कंपनी भी नजर आती है। यहाँ पर आप इन कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो ब्लू स्टार की बात करें, ब्लू स्टार एक बेहतरीन कंपनी है, अगेन यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, 9,441 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई की बात करें, इंडस्ट्री पीई से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, 12 और 8 के आसपास ही है, 51% का यहाँ पर भी डेट है, और 1135 रुपए से यहाँ पर नीचे लगभग 980 रुपए पे शेयर आता हुआ दिखाई दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, इसी तरीके जितना गिरता शेयर फिर उतनी ही तेजी से भागता भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, अगेन यहाँ पर सेल्स घटती हुई दिखाई दी, यहाँ पर पैंडमिक आता हुआ दिखाई दिया। और कंपनी की अभी की सेल्स की बात करें, हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा पिछले 12 क्वार्टर की, बट कंपनी अच्छा खासा पिछले 10 क्वार्टर के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर जो गिरता हुआ नजर आ रहा था वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओपीएम एज इट इज बना हुआ है लगभग 6%, और प्रॉफिट की बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आया, और कंपनी ईयरली बेसिस पे भी काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है। और पिछले कुछ सालों से तो कुछ परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं किया है, बट स्टिल अब कंपनी शायद अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो इनके ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर का यहाँ पर हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कंपनी के बेहतरीन है, यहाँ पर बोरिंग यहाँ पर कंपनी की थोड़ी बहुत यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 74 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट 43, और कैश भी कंपनी का अच्छा खासा है 343 करोड़ का। और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी है, एफआईएस की होल्डिंग धीरे थोड़ी सी बढ़ी है, डीआईएस ने भी थोड़ी सी स्लाइटली हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पब्लिक के पास 27% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो ब्लू स्टार एक बेहतरीन शेयर है। ओके, लोअर हाई लोअर लो यहाँ पर बनाता हुआ नजर आता है, शेयर धीरे धीरे यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। यहाँ पर जब गिरावट हुई थी ये यहाँ पर भी गिरा, गिरने के बाद 839 पे आया, बट अगेन यहाँ पर शेयर उसी लेवल पे यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आया। और जब बात कर रहे गर्मी की, तो धीरे धीरे ये शेयर भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा, तो इस शेयर की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, नजरें बना के रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पर एक मुझे थोड़ी बहुत गिरावट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया है, फिर भी अगर आप यहाँ पर खरीदते और बाय ऑन डिप्स करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है लगभग 836 रुपए का, जो कि यहाँ पर लगभग 120-130 रुपए डाउन है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पर नजर आता है 1134, और यहाँ पर जब एक रेजिस्टेंस को टूटेगा, रिजल्ट अगर अच्छे आए तो याद रखिए शेयर बूम करता हुआ नजर आएगा, और बूम करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक 1300-1400 रुपए तक का लेवल भी आ सकता है। तो 15% के रिटर्न के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे तो लगभग 3 से 6 महीने के अंदर ये रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे, और काफी बेहतरीन रिटर्न है, याद रखिएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और दोनों में से जाना चाहे तो सिम्फनी पे जाइएगा, सिम्फनी पे यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, जितना हो सके सपोर्ट करना है, और दूसरे वीडियोस को जाके आपको यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।